हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। फिल्म प्लेयर्स के लिए सोनम कपूर क्यों बन गई चालू, खुलासा करेंगे हम। कैटरीना कैफ का क्या कहना है चिकनी चमेली पर, दिखाएंगे आपको। एक एग्जीबिशन में जायद खान का ग्लास क्यों बना मिस्ट्री, दिखाएंगे आपको। और प्रियंका चोपड़ा क्यों ले जाना चाहती है बैड बॉयज को अपने घर, खुलासा करेंगी खुद प्रियंका। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सोनम कपूर से। सोनम भले ही खुद को नादान कहती हो लेकिन वो है काफी स्मार्ट। अपनी फिल्म प्लेयर्स के लिए वो बन गई चालू भी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। I'm a little bit too naive for this industry. जो भी दिल में आए बोल दो, always like if somebody hurts me then you can see it on my face, I cannot hide anything. सोनम कपूर के इस इनोसेंट फेस और भोली भाली बातों पर बिल्कुल मत जाइए क्योंकि सोनम बन चुकी है चालू गर्ल। You have to be smart, चालू बन जाओ। सोनम को भले ही लोग कहते हो कि उन्हें बन जाना चाहिए थोड़ा चालू, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो पहले से ही कितनी स्मार्ट है। I think I'm very smart. सबसे पहले सुनिए सोनम की ये बातें। I'm going to play a girl of today, but I will speak like this and I will not say the F word. It'll look very unreal, na? Especially for a girl who's dressed like that and is like that and stuff like that. So yeah, she showed the finger. Now the censors are not okay with it. सुना आपने क्या कह रही हैं सोनम? उनकी ये बातें सुनकर भला कौन उन्हें नादान कहेगा सिवाय अभिषेक बच्चन के। जी हाँ, अभिषेक को ये मसक कली लगती है काफी नादान। Yeah, he thinks I'm a little bit too naive for this industry. And he said you need to become smarter, Sonam. This industry will not spare anybody. You know, you have to be smart. लेकिन फिल्मों में ऑब्सिनिटी के टॉपिक पर सोनम ने दे दिया पूरा ज्ञान, जिस बात को लेकर सेंसर बोर्ड भी फिल्म को लटका देता है। एफ वर्ड और मिडिल फिंगर सोनम को लगते हैं बड़े नॉर्मल। डोंट यू यूज योर मिडिल फिंगर, डोंट यू से यू टेल मी यू से इट और नॉट से इट, यू से इट राइट? बट नाउ व्हाट, इट्स अ नॉर्मल लैंग्वेज दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। सोनम कम से कम ये बात कहने से पहले आपको प्रियंका चोपड़ा से सबक ले लेना चाहिए था, जिन्हें अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर एफ वर्ड यूज करने के लिए अमिताभ बच्चन को भी कहना पड़ा था सॉरी। फिर आप तो ये सब कुछ अपनी फिल्म प्लेयर्स में कर रही हैं, जिसे हर कोई देखेगा। हम आपको बता दें कि इनिशियली द सेंसर बोर्ड हैड गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू द एक्ट, बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू सेंसर इट। लगता है फिल्म प्लेयर्स में सोनम ने केवल अपना गेटअप ही नहीं बदला बल्कि पूरी पर्सनैलिटी ही बदल ली है, तभी तो वो खुद के लिए सेक्सी वर्ड सुनकर भी काफी खुश है। Everybody is calling me sexy, yeah. I'm just like, what did I hear, right? I think it's quite cool. I'm embarrassed but love it secretly. Well, Sonam, हम तो यही कहेंगे कि स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। कैटरीना कैफ की चिकनी चमेली का चर्चा आजकल हर गली में है। खुद सलमान भी उनके इस डांस नंबर की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस गाने पर क्या कहना है कैटरीना और म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल का, लेट्स फाइंड आउट। चिकनी चमेली पर फिसले सलमान। I love the song. I just saw it yesterday. कल ही देखा मैंने गाने को और गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत की है और वो मेहनत दिखता है स्क्रीन के ऊपर। इस चिकनी का किया सबने गुणगान। I've seen it. It's very energetic. I like it. I always love Katrina. Actually met her yesterday. I told her it was fantastic. She's worked very hard. लेकिन अब कैटरीना का क्या कहना है इस बारे में? हमने कैटरीना कैफ तक पहुंचाई सलमान की बात, तो सुनिए क्या जवाब था कैट का। Good things, but I'm always kind of the last person to hear things. I don't have that much interaction with people. So whatever I've heard is good. Karan's very happy, Karan Johar, and everyone's, the team's really happy, and we had a great time with it. So it was a lot of fun. कैटरीना के मुताबिक हर किसी को पसंद आ रहे हैं चिकनी चमेली के ठुमके। और तो और, जब उनसे पूछा गया कि क्या शीला की तरह चिकनी चमेली भी उन्हें एक सेंस ऑफ प्राइड देता है। I think whatever I do, I kind of make sure that when I end, when it's over, whether it's a film or a song or an ad or whatever it is, that the end of it, it's important you walk away knowing that you
did the best that you could. Katrina ke saath saath is gaane ke music directors bhi gaane ke saath judi controversies par samne aaye hain. Unke mutabik is song ke saath chhed chhad karna aasan nahi tha kyunki ye song inspired hai popular marathi song se. Jaise komdi mein tha ki komdi paali tangdi darun langdi gala lagli. There was no meaning that time. It's a funny song. Iska koi matlab hi nahi hai. Abhi isme matlab chahiye tha. Isme kuch narration tha aur dusri ek had hai apni. एक हद हम लोग एक डिसाइड किए थे कि यहाँ से नीचे नहीं उतरना है, यहाँ तक उसको रखना है बस. तो वो जोन में आने के लिए बहुत स्ट्रगल था. चमेली के चिकने ठुमकों पर अब तक तो अच्छे कमेंट सामने आए हैं, पर फिल्म के रिलीज होने पर इस गाने का रियल टेस्ट होगा. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई. अमिताभ बच्चन अब सीखेंगे मराठी लैंग्वेज, वो भी विद इन वन ईयर. लेकिन बिग बी को 70 की एज में क्यों सीखनी है मराठी, चलिए आपको भी बताते हैं. अमिताभ बच्चन को सीखनी है मराठी, बिग बी जल्द ही लगवा सकते हैं अपने लिए मराठी ट्यूशन. और इस काम के लिए उनके पास केवल एक साल का वक्त है. जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्रॉमिस किया है अमिताभ ने पूरे महाराष्ट्र से. मैं इस समय ये घोषणा करना चाहूँगा कि मैं मराठी सीख रहा हूँ और जब तक मुझे अच्छी तरह से मराठी बोलनी आती नहीं है तब तक मैं सभा में इस तरह अपने आप को संबोधित नहीं करना चाहूँगा. लेकिन ये वादा रहा कि अगले वर्ष अगर आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया तो मैं अवश्य आकर बैठूंगा. दरअसल अमिताभ बच्चन पहुँचे थे महाराष्ट्र सरकार के एक अवार्ड को लेने के लिए. अवार्ड रिसीव करने के बाद उन्होंने मुंबई शहर से अपने गहरे रिश्ते का जिक्र भी किया. मेरे जीवन के 42 वर्ष मैंने मुंबई महाराष्ट्र की बावन भूमि में बिताए. अपने माता पिता और शिक्षा के अतिरिक्त मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी मिला, नाम, मान सम्मान, गृहस्थ जीवन, संतान, संतानों की भी संतान, वो केवल एक ही वजह से मुझे प्राप्त हुआ है और वो इसलिए कि इस भूमि, इस महाराष्ट्र की भूमि ने अपना आदर सत्कार मुझे दिया है. लेकिन जैसे ही वो अपनी स्पीच खत्म करके जाने लगे, बगल में खड़े होस्ट ने उन्हें रोक लिया और उनसे दो शब्द मराठी में बोलने की गुजारिश की. यहाँ उपस्थित सभी महाराष्ट्रीयन लोग चाहते हैं कि कम से कम एक लाइन अगर मराठी की हो जाए तो हम बहुत सब खुश हो जाएंगे. होस्ट की ये बात सुनकर बिग बी थोड़े से परेशान हो गए क्योंकि उन्हें मराठी बिल्कुल नहीं आती है. इसलिए अमिताभ ने अगले साल मराठी सीखकर आने का वादा कर दिया. मैं इस समय ये घोषणा करना चाहूँगा कि मैं मराठी सीख रहा हूँ और जब तक मुझे अच्छी तरह से मराठी बोलनी आती नहीं है तब तक मैं सभा में इस तरह अपने आप को संबोधित नहीं करना चाहूँगा. लेकिन ये वादा रहा कि अगले वर्ष अगर आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया तो मैं अवश्य आकर बैठूंगा. अब बिग बी अपनी जुबान पर कायम रहते हैं या नहीं ये तो अगले साल ही पता चलेगा. लेकिन हम आपको बता दें कि इस समारोह में लेजेंड दिलीप कुमार को भी सम्मानित किया गया. दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया खुद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई. प्रियंका चोपड़ा को पसंद है बैड बॉयज, वो बैड बॉयज को ले जाना चाहती हैं अपने घर. प्रियंका ने जूम पर किए काफी कैंडिड कन्फेशंस, लिसन एंड एंजॉय. डॉन को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आ पहुंचे एंड गेस हु वी हैव, द लवली जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा. वेलकम प्रियंका. थैंक यू सो मच माधुरिता. सो टेल मी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कैच डॉन. डॉन को पकड़ना कितना मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. डॉन को कोई नहीं पकड़ सकता. कोशिश सब करते हैं. रोमा करती है, 11 मुल्कों की पुलिस ही नहीं लेकिन अब तो पूरे दुनिया की पुलिस करती है. तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा तब आप जानेंगे कि डॉन पकड़ा गया या नहीं. Are there any romaisms that you can tell us about how to catch Don? How close can we get to Don? You can get close to Don. You can get very close to Don. लेकिन डॉन धुएं की जैसा है, कभी यहाँ कभी गायब. You believe you like bad boys? This quote of mine is never going. Yeah, it'll go down in history. Yes, I do actually like bad boys that I can take home to my mother. Oh, that's interesting. Wonder why. Does your mother like bad boys too? Yes, my mother does like bad boys. It's a good package then. Yeah. Shah Rukh has amazing energy. Whether it's he's on screen, whether he's promoting his films, how do you keep pace with that? Because I have amazing energy too. Okay, that makes a great pair. I think so. And the fact that Dawn is more evil in this film, like you said. So have you like modeled yourself? Like Roma is tougher. Roma is tougher. She's angrier. Mm-hmm.
and she's really pissed off. Okay, you know, you seem to be really enjoying this action area in filmmaking. So do you want to take a break after this, because you've done a lot of action? No, I've done Dawn and Drona. I like doing different genres of films. Like that, so you should ask somebody who keeps doing romantic films, do you want to take a break from romantic films? I don't think that's fair. You do films that you enjoy doing. I'm good at different genres of movies. I like pushing myself to be able to play any sort of character. Priyanka, we haven't seen you do a typical and all-out item number yet. In a while after your Desi Girl stint. Well, that was in my own film. Right, yeah. So songs in your own films, I don't think should be called item songs, really. Yeah, I haven't done songs in anybody else's movie. And I think that when a great song comes along, why not? I would definitely be open to it. In fact, you're working with all these romantics in Bollywood, whether it's a Shah Rukh or a Shahid or a Ranbir. So you're like basking in all of that? Basking in what? They're all romantic heroes, so... Yeah, but in my films, they're not. Yeah. Like, Shah Rukh is extremely evil in my film. And Ranbir and I, even though that's a... In Barfi, it's a comedy, you know, comic sort of film. But it's very different. And yes, Teri Meri, I mean, it's not called Teri Meri Kahani yet, that's the working title. But Kunal's film is a romantic film altogether, yes, for sure. And Shahid and I, when we worked in Kameena, it wasn't really romantic, but this will be our first romantic movie. We believe Dostana 2 is going on the floors again. Do you have any suggestions for who would be the next leading lady? I have no idea, but I think Katrina is a part of the film, but I'm not sure. I haven't spoken to Tarun about it or Karan, but I'm really happy that Dostana 2 is happening. It's a film that definitely should be made. It's a really cool movie. And I think it'll be really fun to watch. Any actors you'd like to have this fight with? No, Baba, I'm not taking a chance. With Dawn is enough. Bita, Priyanka ko patana kitna mushkil hai? How difficult is it for a man to woo you? Patana mushkil hi nahi, namumkin hai. Come on, you can't be so tough. I'm not tough, but I have very high standards. And what are they like? Give us a sneak peek. I don't like guys who are conventional. Chocolates and flowers and poetry, it's very boring. On the typical romance. No, I like guys who keep me on my toes. I would like to have somebody who I respect. I'm an achiever. He has to be an achiever. That's very important. I admire drive, I admire ambition. I admire somebody who's confident within themselves. That for me is very important. He has to be funny. He has to have a sense of humor, but more than anything, hold his own, you know? That's very important. So like I said, I have very high standards. But you still do believe in romance, right? Tremendously. Yeah. What? I'm a mush pot. I'm a Cancerian. Okay. I live with romance in my brain. You know, nowadays actresses are really carrying this film on their shoulders, whether it's you in Saath Khun Maaf or something like Dirty Picture. What do you think about that? I think it's amazing. I think it started with fashion in a way. When fashion became a huge hit and it took a huge opening, you know, everybody used to tell me at that point, are you mad? So early in your career, you're doing a film which is entirely on your shoulders. Ye chalta nahi hai film industry mein aisa. India mein heroine, you know, can't carry the films on their shoulders and stuff like that. But I still wanted to do it because I believed in Madhur and I believed in the script. And now, and the film took a huge opening despite of all the odds against it, and A-certificate film coming in Diwali against Golmaal, and but it still was a big hit. And so I'm the hero of the film. That's what I'm saying. Yeah, so exactly. It's really nice to see, you know, women doing that. Whether it was Vidya and Dirty Picture, whether it was Katrina and Mere Brother Ki Dulhan, or whether it was No One Killed Jessica Rani and Vidya again, or whether it was Saath Khun Maaf, it's really nice to see that people are, you know, women can be torchbearers of a film as well. So give us a quick Dawn sign-off line. One of my favorite Dawnisms, which I'll say. Kaun kehta hai ki chamatkar nahi hote? Kabhi mujhe kareeb se dekha hai. Wow, that's so good. Thank you so much. For being on the show. Thank you. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक एग्जीबिशन में जायद खान का ग्लास क्यों बना मिस्ट्री. एक पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंचे जायद खान का ग्लास बन गया मिस्ट्री. पूरे इवेंट के दौरान जायद के हाथ में था ये ग्लास, लेकिन इसमें पानी था या कुछ और, ये किसी को समझ नहीं आया. फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट. जी हाँ, जायद खान को बस है पीने से मतलब. एक पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंचे एक्टर जायद खान का इंटरेस्ट दीवार पर टंगी इन खूबसूरत पेंटिंग्स पर कम और अपने ग्लास पर ज्यादा था. खुद देखिए पूरे इवेंट के दौरान जायद बस पीते ही रहे.
लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ग्लास में है क्या? क्या इसमें पानी है या फिर कुछ और? इसके लिए हम आपको देते हैं क्लू। जरा इस सीन को ध्यान से देखिए और सुनिए। समझ गए ना आप? वैसे समझदार को इशारा ही काफी होता है। दिया को इस ग्लास में पानी नजर आया तो जायद ने कह दिया कि कुछ लोग इसे पानी ही समझते हैं। खैर इस इवेंट में जायद का ये ग्लास मिस्ट्री बनकर ही रह गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस पेंटिंग एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था दिया ने, लेकिन उनका इसके पीछे इरादा था बिल्कुल अलग। आज मेरी कोशिश यही रही है कि इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पे मैं इनवाइट करूँ, उन्हें एक मौका दूँ पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करने का, क्योंकि हम सब घर संवारते हैं। वी ऑल एंजॉय आर्ट इन आवर ओन होम्स एंड I think it's a wonderful opportunity for them to come and explore a new medium. इन beautiful paintings को देखने के लिए कई Bollywood हस्तियों ने निकाला अपने busy schedule से वक्त। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी, कृणाल कपूर, म्यूजिक कंपोजर सलीम के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के भी कई सितारे पहुंचे इस इवेंट में। फॉर आरती दानी, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्टर ऋतिक रोशन का हॉट एंड वेरी स्टाइलिश फोटोशूट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्टर ऋतिक रोशन का हॉट एंड वेरी स्टाइलिश फोटोशूट। वॉच एंड एंजॉय। Cotton Council International presents Less Design is back again with season 4. So here's a chance for all the aspiring designers who want to make it big and would like to stand a chance to see the Supima show at the New York Fashion Week. So just grab this opportunity. For more details on this, log on to www.allaboutcotton.com. So hurry up, last date of registration is 23rd December 2011. This Christmas will be hotter than ever before because Sexy Santa's coming to Zoom. So keep watching Zoom and keep guessing who will be your Sexy Santa. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.